केमिस्ट्री क्लासरूम, प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। अब आगे चलते हैं। आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि ये आप सीख लिए हुए ना। ये मैंने कुछ एक इक्वेशंस लिखी हैं और मैं इनको ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने वाली हूँ। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अप टू 10th लेवल आप क्या करते हो, यू फॉलो हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हिट एंड ट्रायल, कभी एक लगाओगे, कभी दो लगाओगे बैलेंस करने के लिए, बार बार उसको रब करोगे, आप पेंसिल के साथ काम करोगे। लेकिन अभी आप डायरेक्ट पेन के साथ काम करोगे और आपको बार बार हिट एंड ट्रायल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले ये रही फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, दिस इज CuO क्यूपरस ऑक्साइड प्लस अमोनिया और ये बन गया कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ये आपकी गिवन इक्वेशन। ओके, अब आप इस इक्वेशन को फिर से लिखिए, तीन चार स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है। ओके, अब इस स्टेप के ऊपर आपका क्या काम है, हमारे पास दो मेन स्पीशीज हैं कॉपर एंड नाइट्रोजन, तो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर सभी का। ऑक्सीजन माइनस टू तो कॉपर कितना होगा, प्लस टू। हाइड्रोजन प्लस वन तो नाइट्रोजन कितना होगा, माइनस थ्री, क्योंकि ये हो गया प्लस थ्री, समझ रहे हो। कॉपर एलिमेंट्री स्टेट आ गई जीरो, नाइट्रोजन एलिमेंट्री स्टेट जीरो। अब ये रहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही दो कंपोनेंट है जिसमें डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, अब आपको देखना है डिक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, कॉपर टू पॉजिटिव से बन गया कॉपर जीरो, तो दिस इज हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय टू, प्लस टू से हो गया जीरो, दिस इज डिक्रीज। ये रही डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय टू, क्योंकि नंबर लाइन में जीरो प्लस वन प्लस टू ऐसे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे, ठीक है। तो इधर से वापस आए, प्लस टू से जीरो हो गया, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने यूनिट, दो। माइनस थ्री से हो गया जीरो, माइनस थ्री से हो गया जीरो, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय, अब देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, टोटल कितने स्टेप लिए, तीन। यहां देखो वन स्टेप, टू स्टेप, थर्ड स्टेप, तो डिक्रीज बाय थ्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसको हम फिर से लिखिए, अब आपको ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं। CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज को इंक्रीज और इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय टू, तो यहां लग गया टू। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय थ्री, नाइट्रोजन में इंक्रीज हुई तो वो लग गया इधर। लेफ्ट साइड हमें पता चल गया किसको थ्री लिखना है, किसको टू लिखना है, ये क्रॉस में लिखोगे आप। दूसरी साइड कितने कॉपर है इधर, तीन, तो कॉपर के आगे तीन लगा दीजिए। कितने नाइट्रोजन है, टू, तो ये ऑलरेडी टू लगा हुआ है। ओके, अब यहां पे देखो थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन आर थ्री टू जा सिक्स, तो यहां लग गया थ्री। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, देख लीजिए, तीन कॉपर तीन कॉपर, तीन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन, थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन, ऑल बैलेंस्ड। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कहीं पे भी कुछ क्रैम नहीं किया हमने, कोई रट्टा नहीं मारा, जस्ट फर्स्ट स्टेप राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके, फिर आप डिक्रीज और इंक्रीज निकालिए, फिर उनको क्रॉस करके जो इसकी वैल्यू आएगी यहां मल्टीप्लाई, जो इसकी वैल्यू आएगी यहां मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बेस पे आप राइट हैंड साइड पे बैलेंसिंग करेंगे। सेकंड देखें, सेकंड इज सी सिक्स एच सिक्स प्लस ओ टू और ये बना CO2 प्लस H2O। अब इसको मैं फिर से लिखने वाली हूं C6H6
O2 CO2 plus H2O, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखिए, +1 -1 बैलेंस्ड, टोटल +6 -6, ऑक्सीजन 0, यहां ऑक्सीजन -2 और कार्बन कितना आएगा +4, देख लीजिए ठीक है ओके। अब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तो दोनों तरफ, इधर आ गई ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 ठीक ओके। अब -1 से कार्बन, -1 से हो गया +4, -1 0 +1 +2 +3 +4, देखो कितने स्टेप आते हैं 1 2 3 4 5, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। ये तो एक कार्बन की बात हुई, कितने कार्बन है टोटल 6, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 और कितना आंसर आया 30। एक कार्बन में आई ना चेंज इतनी, तो 6 में कितनी आएगी, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। वेल 0 से हो गया -2, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, लेकिन कितनी ऑक्सीजन है 2, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया 4। अब अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो आप इनको काट सकते हैं, इट विल बी 2 2s are 4, 2 15s are 30। मतलब अब मैं इस इक्वेशन को लिखने वाली हूं O2 CO2 plus H2O, ओके मींस इसका कितना आया था 15, 15 लग गया इधर, इसका आया था 2 ठीक, और 2 लग गया इधर, बैलेंस कीजिए 6 2s are 12, तो यहां लग गए 12 कार्बन। अब बारी आई ऑक्सीजन की, 15 2s are 30, 12 2s are 24, और यहां क्या आ गया 6, चेक कर लीजिए 6 2s are 12, 12 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 6 2s are 12, 6 2s are 12, ऑक्सीजन देख लीजिए 15 2s are 30, 12 2s are 24, 24 plus 6 30, है ना सिंपल ठीक है ओके। अब देखो ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6 plus 15 by 2 O2 plus 6 CO2 plus 3 H2O, ठीक है 6 2s are 12 12 plus 3 15 15 by 2 into 2 again 15, तो आप कैसे भी लिखिए, क्लियर हो गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, स्टेप सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, डिक्रीज इंक्रीज निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और लेफ्ट राइट बैलेंस कर दीजिए, SnO2 प्लस कार्बन Sn प्लस CO, ओके फिर से लिखो SnO2 प्लस कार्बन Sn प्लस CO, 0 0, -2 plus 4, 2 2s are 4 minus 4, इसका क्या आया +4, आप कैसे भी निकाल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन -2 plus 2, ओके अब देखो Sn प्लस 4 से हो गया 0, 4 से वापिस आया 0, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 4, यहां देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, 0 से हो गया +2, इधर -2 ऑक्सीजन -2 बराबर है ओके। अब मैं यहां काट सकती हूं ना 2 1s are 2 2 2s are 4, इसको फिर से लिखिए SnO2 प्लस कार्बन Sn प्लस CO, अब ये आया 2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर एक Sn, इधर कुछ भी नहीं होगा, 2 कार्बन यहां 2 लग गया, चेक कीजिए इक्वेशन इज बैलेंस्ड, एक स्टेनस एक स्टेनस, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो देखा ये वाला जो स्टेप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बता देता है कि आपको तीर तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर योर ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, उनको क्रॉस में लिखिए एंड बैलेंस इट। अब देखते हैं फोर्थ वाली इक्वेशन, ओके दिस इज, चलो मैं इसको यहीं से ले लेती हूं,
एक बार इसको ऐसे लिख लिया ना, ओके okay. अब फास्फोरस HNO3 HPO3 प्लस NO प्लस H2O. चलो भाई लिखो इनके ऑक्सीडेशन नंबर, 0 माइनस 2 प्लस 1, 3 टू जा माइनस 6, दिस इज प्लस 1, एक्स निकालना इट विल बी प्लस 5. आप एक्स निकालिए जैसे मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है. मैं शॉर्टकट लगा सकती हूं, आपने नहीं लगाना, प्रॉपर तरीके से निकालना. HPO3 देखो सेम जैसे है ना, HNO3 HPO3 और है भी दोनों एक ही फैमिली के. माइनस 2, 3 टू जा 6 प्लस 1, ये भी क्या आया प्लस 5. माइनस 2 प्लस 2 इसको छोड़ दीजिए, जरूरत ही नहीं है. अब चेंज किस में आ रहा है, फॉस्फोरस 0 से प्लस 5 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5. यहां क्या हुआ, प्लस 5 से प्लस 2, प्लस 5 से हो गया प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पहुंच गया. तो वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3. अब ये आपस में कट नहीं सकते, एक 3 है और एक है 5. ओके फिर से लिखिए, फॉस्फोरस HNO3 HPO3 NO प्लस H2O, क्रॉस कर दीजिए. इसके आगे लग गया 5, इसके आगे लग गया 3. ओके तीन फास्फोरस, तो यहां पे भी क्या लगा, तीन फास्फोरस. पांच नाइट्रोजन, NO कहां है, ये रहा पांच नाइट्रोजन. लेट्स चेक बैलेंस हुआ, तीन फास्फोरस, तीन फास्फोरस, पांच नाइट्रोजन, इधर भी पांच नाइट्रोजन. ओके ऑक्सीजन 5 3 15 ऑक्सीजन, इधर देखें 3 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, यस 15 ऑक्सीजन. ये हो गया 9 प्लस 5 प्लस 1. नाउ वी आर लेफ्ट विथ हाइड्रोजन, इधर है टोटल पांच हाइड्रोजन, इधर देखो 3 प्लस 2 5, इधर भी 5, इधर भी 5. इक्वेशन इज ऑल बैलेंस्ड. तो इस तरीके से आप इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं. ये तो ट्रेलर था, सिंपल इक्वेशंस जो आपको 10th लेवल में आती थी, तो आप ऐसी इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते थे. बट अब आपके पास एक टेक्निक है. अब आपको पूछा जाएगा एक इक्वेशन देकर, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए एसिडिक मीडियम के अंदर या बेसिक मीडियम के अंदर. अब यहां कंसेप्ट आया आपका चैप्टर नंबर 7 का, आयनिक इक्विलिब्रियम. एसिडिक मीडियम के अंदर कौन से आयन्स होंगे, एच पॉजिटिव. बेसिक मीडियम के अंदर कौन से होंगे, ओ एच नेगेटिव. तो उनमें हम कैसे बैलेंस करने वाले हैं, लेट्स सी. अब हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस इन एसिडिक मीडियम एंड बाय द सेम प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके एसिडिक मीडियम में कैसे करना है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी फिर बताती हूं. ओके तो पहला स्टेप वही, इक्वेशन आपने लिख ली, अब इसको फिर से लिखिए क्योंकि अभी हम इनका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. कॉपर NO3 नेट चार्ज, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, नेट चार्ज माइनस 1, ये बन गया NO2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव. कॉपर के ऊपर 0 एलिमेंट्री स्टेट, इसके ऊपर माइनस 2 और यहां क्या आ जाएगा 3 2 6, ये रहा x, माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो x विल बी प्लस 5. ओके नाइट्रोजन के ऊपर आया प्लस 5, यहां पे माइनस 2 माइनस 4, ये आया प्लस 4. डन. कॉपर से हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2. नाइट्रोजन प्लस 5 से हो गया प्लस 4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1. ओके फिर से लिखो, कॉपर NO3 नेगेटिव, अब आप इसको नॉर्मल लिखोगे. इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा था सो दैट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकल जाए. NO2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव. मैंने बताया था ना कि अगर एज इट इज आयन लिखा है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. अब इसका है 2 तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 1 है तो 1 ही रहा. ठीक है, 2 नाइट्रोजन्स
यहां क्या लग गया, टू नाइट्रोजन, वन कॉपर, वन कॉपर। ओके, अब लास्ट में हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। अब जरा आप लेफ्ट में देखिए कितनी ऑक्सीजन्स, इधर हैं ऑक्सीजन्स 3, 2 जा 6 और इधर कितनी है 4। अब आपके नोट करने वाली चीज, इन एसिडिक मीडियम बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ऑन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उधर वाटर लगा दीजिए। तो कितनी ऑक्सीजन कम है, इधर 4 है, ये 6 है, तो यहां लग गया 2H2O, ऑक्सीजन बैलेंस। सबसे लास्ट में बैलेंस होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यूज करेंगे H पॉजिटिव आयन ऑन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए H पॉजिटिव से, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए वाटर से, सिंपल। इधर हाइड्रोजन कितनी है 0, इधर कितनी है 2, 2 जा 4, तो इधर क्या लग जाएंगे +4H+। चलो भाई अब इक्वेशन लिखते हैं, इधर आ गए +4H+। ये इक्वेशन बनी कॉपर +2NO3- +4H+ 2NO2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। लेट्स सी, 4 हाइड्रोजन 2, 2 जा 4, 3, 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2, 2 जा 4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ऑल बैलेंस्ड। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने बैलेंसिंग ठीक की या गलत की, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड के चार्ज को नोट कीजिए, एक NO3 के ऊपर -1 चार्ज, तो टोटल कितना हो गया -2 +4, 4 पॉजिटिव प्लस 4, नेट कितना बचा -2 +4, इट विल बी इक्वल टू +2। इधर देखो कितना है टोटल +2, दोनों चार्ज बराबर। ये चार्ज आपको इक्वेशन बैलेंस करके लिखने नहीं होते हैं, लेकिन आपको खुद को चेक करना है, टेस्ट करना है मैंने बैलेंसिंग ठीक की या नहीं। तो दोनों साइड का नेट चार्ज देखिए बराबर आना चाहिए, ओनली देन आप बोल सकते हैं कि हमारी बैलेंसिंग सही हुई है। तो बहुत सिंपल सा तरीका था, यहां तक तो आप पहले भी करके आए। अब अगला स्टेप ये था कि ऑक्सीजन जिधर कम है उधर उसको बैलेंस करने के लिए आप वाटर लगा दीजिए, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर आप H पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, अब मेरे पास है सेकंड एग्जांपल, मैं इसको यहीं से पिक करूंगी, MnO4-1। ओके, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, MnO4 नेट चार्ज -1 प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, -1 प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। सबकी उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर दी है, आपको सिर्फ यहां मैंगनीज की निकालनी है, X प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि यहां -2 इक्वल टू -1, यस इट विल बी +7, ठीक है, इट विल बी +7। तो अब आप देखिए +7 से हो गया +2, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, +2 से हो गया +3, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। फिर से लिखो इक्वेशन, MnO4-1 Fe2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O, इसका आया 5, मींस आप यहां लिखोगे 5, उसका आया 1, इधर 1 ही रहेगा, और इधर भी क्या लग गया आयरन के आगे 5, एक मैंगनीज, 5 आयरन 5 आयरन। अब किसकी टर्न आई, ऑक्सीजन की, सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करो जरा, 4 इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर कितनी है 1, एक ऑक्सीजन है, एक वाटर ऑलरेडी है, मींस मुझे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड करने पड़ेंगे, और ये क्या हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना है वाटर,
हो गई चार ऑक्सीजन. नाउ हियर कम्स द टर्न ऑफ हाइड्रोजन. ओके, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन जीरो नहीं है. इधर कितनी है? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, इधर है एट हाइड्रोजन. तो इधर क्या करेंगे हम? प्लस एट एच पॉजिटिव. इधर कितने एच पॉजिटिव लगेंगे? एट एच पॉजिटिव, क्योंकि उधर आठ हाइड्रोजन हैं, तो इधर लग जाएंगे एच पॉजिटिव एट. चलो भाई लिखो फिर से. MnO4 प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव कितने लगे? 8, 8H पॉजिटिव. और इधर क्या है? Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 प्लस 1 4H2O. काउंट कर लीजिए सारी चीजें बराबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन मैंगनीज. चलो मैं चेक करूं मैंने सही बैलेंस किया. माइनस 1, 5 टू जा 10 प्लस 8, 18 माइनस 1 दिस इज 17. ओके, प्लस 2 प्लस 5 थ्री जा 15. अरे वाह, ये तो दोनों बैलेंस हो गए. तो इस तरीके से आप एक सेल्फ चेक ले सकते हो आपने बैलेंसिंग ठीक की या नहीं. प्रोसीजर आप देख ही रहे हो, बहुत सिंपल सा है. जिधर ऑक्सीजन कम है, इधर चार ऑक्सीजन थी, इधर एक ही ऑक्सीजन थी, तो आपने तीन वाटर और लगा दिए, टोटल चार हो गई. अब इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं थी, इधर कितनी होगी? थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट. ओके, तो इधर आठ एच पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एच पॉजिटिव आयन जो है वो भरमार में पड़े हैं, जितने चाहे आप यूज कर लीजिए. तो ये दो इक्वेशंस बैलेंस. अब देखते हैं हमारे पास सी आर टू ओ सेवन वाला इक्वेशन, उसको बैलेंस करते हैं. नाउ आई एम हैविंग इक्वेशन नंबर थ्री एंड इट इज Cr2O7 net charge 2 negative plus SO3 2 negative aero chromium 3 positive plus SO4 2 negative. ये रहा इक्वेशन. इसको फिर से रीराइट करें. यू विल राइट Cr2O7 net charge 2 negative plus SO3 net charge 2 negative. और ये आ गया chromium 3 positive and SO4 नेट चार्ज टू नेगेटिव. अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. यहां आई माइनस टू, सेवन टू जा 14, 14 में से 2x, ये आया 2x माइनस 14 इक्वल टू माइनस टू, 2x विल बी माइनस टू प्लस 14, x विल बी 12 अपॉन 2, इट विल बी 6. या पहले करके आयो पीछे पिछले वाले वीडियो के अंदर, तो ये आ गया प्लस 6. अब चेक करो, 6 टू जा 12, 7 टू जा 14, नेट चार्ज माइनस 2. ऐसे ही माइनस टू, थ्री टू जा सिक्स, तो ये कितना आना चाहिए? 4. आप कैलकुलेट करके देख लेना, एक्स पुट करो और आंसर निकालिए. थ्री टू जा सिक्स प्लस 4 नेट चार्ज माइनस 2, ये आएगा प्लस 6, क्योंकि 3 4 टू जा 8 माइनस 8, उसमें से 2 माइनस चले जाएंगे, तो इट विल बी प्लस 6. अब देखो क्रोमियम प्लस 6 से हो गया प्लस 3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, लेकिन दो क्रोमियम है भाई, 3 टू जा 6 इक्वल टू 6. प्लस 4, प्लस 4 से हो गया प्लस 6, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2. ये हो गया 2, ये हो गया 6, तो 2 वन जा 2 थ्री जा. फिर से लिखो Cr2O7 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, SO3 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, और ये आया Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो इसकी चेंज आई 3, उसकी चेंज आई 1, 2. ये 2 थे ना, यहां 6 था, तो 2 3 जा 6, जो कटता है उसको काट दीजिए. अब 2 क्रोमियम, 3 सल्फर, 3 सल्फर, जिसकी डिक्रीज इंक्रीज थी वो दोनों साइड बैलेंस हो गए. अब किसकी बारी है? ऑक्सीजन की. लेफ्ट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 16. इस साइड कितनी है? 4 3 जा 12, 4 का फर्क है, इधर लग गए 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस्ड. हियर कम्स द टर्न ऑफ हाइड्रोजन. ओके, लेफ्ट में हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, इधर कितनी है? 4 2 जा 8, इधर 8 हैं, इधर कोई भी नहीं, इसका मतलब 8H पॉजिटिव लग गए. चलिए
ये बना Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस 3SO3 टू नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 टू नेगेटिव प्लस 4H2O ऑल बैलेंस्ड। कैसे पता चलेगा मैंने सही किया कि गलत? चार्ज निकालते हैं। माइनस टू, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स प्लस 8 कितना आया? जीरो। ठीक है, इधर देखें, थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्स, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स कितना आया? जीरो। वाओ, बैलेंस्ड, सेम चार्ज दोनों साइड। इट मींस हमने इक्वेशन को बिल्कुल सही बैलेंस किया है। ठीक है, नेक्स्ट ले। अब मैं बार बार यही बता रही हूं, डिक्रीज इंक्रीज, ये टू से कट सकता है, अदरवाइज यहां आप लिखते, इधर लिखते आप टू, यहां लिखते सिक्स, फिर ये हो जाता डबल फोर और ये हो जाता डबल थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, तो इसको मिनिमम लेके चलना है। फिर उसके बाद डिक्रीज इंक्रीज को मल्टीप्लाई किया, जो मेन है पहले उनको बैलेंस कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे बाद में हाइड्रोजन। अब देखते हैं फोर्थ वाली इक्वेशन, H2S प्लस MnO4 वन नेगेटिव, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ये रहा H2S प्लस MnO4 नेगेटिव, ये बना सल्फर प्लस मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस H2O दिस वन। फिर से लिखें क्योंकि माइनस वन चार्ज है इधर, ये आ गया H2S प्लस MnO4 नेट चार्ज माइनस वन हम पहले निकाल आए हैं, दिस इज प्लस 7। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, नेट चार्ज माइनस वन, सल्फर Mn2 पॉजिटिव H2O, अब ये प्लस 7, ये प्लस 2, यहां सल्फर के ऊपर है माइनस 2 क्योंकि ये प्लस 1 है और यहां सल्फर के ऊपर 0। ठीक है, माइनस 2 से हो गया 0, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, प्लस 7 से हो गया प्लस 2, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। ओके, राइट अगेन, H2S MnO4 नेट चार्ज माइनस 1, सल्फर मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस H2O। डिक्रीज को इंक्रीज, इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई करें, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 2, क्योंकि सल्फर में आई 2 की चेंज और मैंगनीज में आई 5 की, 5 सल्फर, 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज हो गया। अब कौन कौन रह गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो भाई, ऑक्सीजन लेफ्ट में काउंट करो, 4 2 8, इधर कितनी है? सिर्फ 1, तो आप 7H2 लगा दीजिए, इधर 1 थी ना, तो आपने 7H2O लगा दिए। ठीक है, अब बारी आई हाइड्रोजन की, लेफ्ट में कितने हैं? 5 2 10, राइट में कितने हैं? 7 2 14, 14 प्लस 2 16, इधर है 16, इधर है 10, मतलब इधर क्या लग जाएगा? 6H पॉजिटिव, हो गए दोनों तरफ 16, 7 2 14, 14 प्लस 2 16, और इधर कितने थे? 5 2 10, 10 थे, इधर 16, तो इधर क्या लग जाएंगे? 6H पॉजिटिव। चलो भी लिखो इसको, 5H2S 2MnO4 नेट चार्ज माइनस 1, 6H पॉजिटिव, 5 सल्फर 2MnO2 पॉजिटिव प्लस 7 प्लस 1 8H2O। चलिए सारा बैलेंस्ड आप काउंट कर लेना, गलत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब मैं चार्ज से वेरीफाई करती हूं मैंने सही किया कि गलत। माइनस 2 प्लस 6 नेट आया प्लस 4, इधर कितना आया? 2 2 4, दोनों तरफ चार्ज सेम, इट मींस बैलेंसिंग इज अप टू डेट। ठीक है, इस तरीके से एसिडिक मीडियम की आपको कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है तो आप इसी प्रोसीजर को रखेंगे, राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड इंक्रीज डिक्रीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिक्रीज बाय इंक्रीज एंड इंक्रीज बाय डिक्रीज, जो इधर डिक्रीज इंक्रीज वाले हैं उनको इधर बैलेंस कर दीजिए, फिर बारी आएगी ऑक्सीजन की और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। अब बात करेंगे बेसिक मीडियम की। चलिए
अब बात करते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम के बारे में। तो मैं पहले ऐसा करती हूँ, जो यहां लिखी है इक्वेशन में इसी को टेकअप करती हूँ, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, लिखा हुआ है, मुझे इसको दोबारा लिखना है, ठीक है। तो सी आर ओ एच फोर टाइम्स नेट चार्ज माइनस वन, ये ऐसे ही गिवन है, प्लस एच टू ओ टू हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये बना रहा है सी आर ओ फोर नेट चार्ज टू नेगेटिव प्लस एच टू ओ। तो मैं इस टू नेगेटिव नेट चार्ज को ब्रैकेट के बाहर लिखूंगी, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब राइट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल, दिस इज माइनस वन, टोटल हो गया माइनस फोर, नेट चार्ज है माइनस वन तो इट विल बी प्लस थ्री, ठीक है। दिस इज माइनस एट, माइनस एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, इधर जाके प्लस, तो दिस इज प्लस सिक्स। आप पूरा मेथड लगा के निकालिए, हो गया। अब डिक्रीज इंक्रीज, प्लस थ्री से हो गया प्लस सिक्स, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय थ्री। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन माइनस वन, मैंने आपको बताया था परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज, एंड दिस इज प्लस वन। वाटर इसके अंदर माइनस टू प्लस वन, तो यहां हो गया माइनस वन से माइनस टू, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय वन, माइनस वन से माइनस टू। ओके, तो अब यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, दो, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टू, तो टोटल कितना आया, टू डिक्रीज इंक्रीज आई थ्री। रीराइट द इक्वेशन अगेन, सी आर ओ एच फोर टाइम्स नेट चार्ज माइनस वन एच टू ओ टू, एंड इट इज सी आर ओ फोर नेट चार्ज टू नेगेटिव एच टू ओ। ओके, मल्टीप्लाई डिक्रीज विद इंक्रीज एंड इंक्रीज विद डिक्रीज, इट विल बी टू एंड इट विल बी थ्री। तो दो क्रोमियम, दो क्रोमियम, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आए हैं थ्री, चेंज किस में आ रही है, ऑक्सीजन में, तो लेट अस बैलेंस इट। ये आया फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, तो यहां पे थ्री ओ टू सिक्स, तो ये लग गए सिक्स एच टू ओ। समझ आई बात, ये दोनों तो बैलेंस, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, अब यहां पे था एच टू ओ टू, थ्री टू जा सिक्स, तो यहां मेरे को क्या लगाना पड़ा, सिक्स। अब देखो जरा ऑक्सीजन लेफ्ट में कितनी है, सिक्स, फोर टू जा एट, एट प्लस थ्री टू जा सिक्स, टोटल आ गई फोर्टीन, ठीक है, दिस इज फोर्टीन। और इधर फोर टू जा एट, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ओके, बेसिक मीडियम के अंदर, इन बेसिक मीडियम यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन बाय ओ एच नेगेटिव आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम में ओ एच नेगेटिव आयन बहुत होते हैं, एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग एच टू ओ, एंड एट द सेम टाइम एड इक्वल नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन्स ऑन ऑपोजिट साइड। क्या मतलब है इस बात का, ऑक्सीजन बराबर ओ एच नेगेटिव, लेकिन हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू एच टू ओ और उतना ही नंबर ओ एच नेगेटिव ऑपोजिट साइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस किया वाटर से, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कैंसल, नेट क्या बचा, ओ एच नेगेटिव, तो अगर मैं इसके ऑपोजिट ओ एच नेगेटिव लगा दूं तो दोनों ऑटोमेटिकली बैलेंस, गॉट इट। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन से खत्म करेंगे, लेकिन जितने वाटर, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी वाटर से बैलेंस करेंगे, लेकिन जितने वाटर ऐड करेंगे उतने ओएच नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो भी इसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंट साइड होगी। ओके, अब यहां पे ऑक्सीजन तो बैलेंस, लेट्स सी हाइड्रोजन, इधर कितनी है, फोर टू जा एट, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, इधर है फोर्टीन हाइड्रोजन और इधर कितनी है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है, इधर फोर्टीन इधर ट्वेल्व, मीन्स यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर, दो हाइड्रोजन कम है ना, दो की डेफिशिएंसी है, आपने दो वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, लेकिन इतने ही
OH नेगेटिव आपको लेफ्ट में लगाने पड़ेंगे। जितना आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर उधर लगा रहे हो, जितने वाटर लगाए उतने OH इधर, क्योंकि हाइड्रोजन ने वाटर में से सिर्फ एक हाइड्रोजन बैलेंस किया। चलिए लेट्स सी, क्रोमियम OH 4 टाइम्स नेट चार्ज -1 प्लस 3H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव, क्या बना 2CrO42 नेगेटिव प्लस 6+2 8H2O। ठीक है, अब जरा आप चेक कर लीजिए सारा कुछ बैलेंस है या नहीं। दो क्रोमियम 4 2 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 2 16 ऑक्सीजन है लेफ्ट में। ठीक, इधर देखें 4 2 8 8 प्लस 8 16 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस। ठीक है, अब मैं चेक करूं मैंने सही किया कि गलत। टोटल चार्ज -2 -2 टोटल हो गया -4। इधर 4 2 2 4 -4 यस, इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं इस वाली इक्वेशन को लूंगी, प्रोसीजर सेम एसिडिक मीडियम वाला, जस्ट चेंज क्या आई है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। ओके, इसी को मैं रीराइट करने वाली हूं, Cr OH thrice plus IO3 नेट चार्ज -1 और इट इज I नेगेटिव Cr O4 नेट चार्ज 2 नेगेटिव। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए सभी का, दिस इज -1 प्लस 3, दिस इज -2 x 3 2 6 नेट चार्ज है -1 तो इट विल बी +5। आप निकाल के देख लीजिए, इट विल बी 4 2 8 नेट चार्ज है -2 तो इट विल बी +6। आप x लगा के निकालिए, फिर से लिखें इसको। ओके, अब +3 से हो गया +6, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, +5 से हो गया -1 0 -1 +1 +2 +3 +4 +5, कितने जंप लगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, +5 से हो गया -1, इट मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6, 3 1 3 2 कट सकता है, मैंने उसको वहीं पे कट कर दिया। रीराइट द इक्वेशन अगेन, ये आ गया IO3 नेगेटिव एरो I नेगेटिव प्लस CrO42 नेगेटिव। डिक्रीज को इंक्रीज, इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां आया 2 तो इधर लग गया 2, इधर इसका कट हो गया 1 आ गया तो इधर 1 ही रहा। दो क्रोमियम 1 आयोडीन 1 आयोडीन, अब किसकी बारी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितनी है, 3 2 6 6 प्लस 3 9, लेफ्ट में है 9 ऑक्सीजन। ओके, राइट में कितनी है, 4 2 8, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट, इधर क्या लग गया 1 OH नेगेटिव। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है, OH नेगेटिव से। हाइड्रोजन, ओके, 3 2 6, इधर है 6 हाइड्रोजन, इधर कितनी है, 4 2 8, कुछ भी नहीं है, 1 हाइड्रोजन है ना, OH नेगेटिव, 1 हाइड्रोजन, इधर 6 इधर 1, मतलब मुझे डेफिशिएंट साइड, इधर इधर हाइड्रोजन कम है, दिस साइड इज हाइड्रोजन डेफिशिएंट, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड के ऊपर आप ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, कितने 6 1, इधर लग गए 5H2O। ठीक है, लेकिन इतना ही इक्वल नंबर 5OH नेगेटिव इधर ऐड होंगे, यही बताया मैंने, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यहां थे 6 इधर थे 5, डेफिशिएंसी थी हमारे पास 5 की, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल इधर, जितने वाटर मॉलिक्यूल लगे उसके ऑपोजिट साइड में 5OH। चलो भाई ऐड करो सबको, 2 Cr OH thrice plus IO3 negative plus 5 OH negative, next I negative
2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5H2O प्लस OH नेगेटिव है ना, एक OH नेगेटिव। ओके, इस OH नेगेटिव को इधर ले आइए, दिस वन इधर आ गए तो कितने बचेंगे, एक माइनस हो गया 4, तो ये मेरे पास आया 2CrOH3 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव, पांच में से एक चला गया, I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5H2O। चेक करें मैंने गलत किया कि सही, ये आया IO3 नेट चार्ज माइनस 1, 4 नेगेटिव माइनस 4, टोटल हो गया माइनस 5। इधर देखें माइनस 1 2 2 4 माइनस 4, ये भी कितना हो गया माइनस 5, तो दोनों तरफ चार्ज प्रॉपर है, इट मींस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एक्यूरेटली। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाली इक्वेशन, मैंने इसको रीराइट किया, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी, सबका बिल्कुल इजी, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, परऑक्साइड के ऊपर माइनस 1 और सिंपल वाटर में माइनस 2, तो आप देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1 से माइनस 2 बाय 1, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल 2, और इधर इंक्रीज कितनी है 1, नाउ मल्टीप्लाई डिक्रीज बाय इंक्रीज एंड इंक्रीज बाय डिक्रीज, तो यहां लग गया 2 और इधर लगा 1, ये 2 है तो यहां पे भी 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बारी किसकी आई, हमारे पास ऑक्सीजन की। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं, ये रहा 2 2 4, 4 प्लस 2 6, और इधर है 3 2 6, और इधर आ गया 1 7, इसका मतलब इधर 7 इधर 6, तो इधर लग गया 1 OH नेगेटिव, इधर थे 2 2 4, 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन, राइट, और इधर कितने थे 3 2 6 प्लस 1 7, इधर 7 इधर 6, तो 1 OH नेगेटिव लग गया। ओके, अब आई आई हाइड्रोजन की, काउंट कीजिए 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, टोटल 7 हाइड्रोजन, ये भी तो आ चुका है ना इधर, 2 प्लस 2 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, 6 प्लस 2 8, इधर 7 इधर 8, इसका मतलब इधर एक डेफिशिएंसी है, तो इधर लग गया H2O, एक H2O लगा तो उसके ऑपोजिट साइड पे भी क्या लग जाएगा OH नेगेटिव, लेकिन अब आप देखिए OH नेगेटिव के साथ OH नेगेटिव कैंसल, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, FeOH ट्वाइस प्लस H2O2, ये बन गया 2FeOH थ्राइस प्लस H2O, ओके इधर H2O इधर H2O, ये दोनों भी कैंसल, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। लेट मी चेक, दो आयरन 2 2 4, 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2 4 प्लस 2 6 हाइड्रोजन, और इधर भी 3 2 6 हाइड्रोजन, तो जरूरी नहीं है कि OH नेगेटिव आपको दिखाई दे बीच में, इधर ऑक्सीजन थी 6 इधर थी 7, तो डेफिशिएंसी साइड पे एक OH नेगेटिव लग गया, फिर आपने हाइड्रोजन काउंट की 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, इधर 7 इधर 6, तो आपने क्या किया इधर 7 और इधर 8, जिधर डेफिशिएंसी थी उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, लेकिन उतने ही OH नेगेटिव आपको ऑपोजिट साइड में लगाने पड़ेंगे, तो OH के साथ OH कैंसिल, वाटर के साथ वाटर, एंड हियर यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं लास्ट इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, मैंने इसको रीराइट किया, एल्युमिनियम 0 और यहां पे एल्युमिनियम प्लस 3 क्योंकि नेट चार्ज माइनस 1, माइनस 2 क्योंकि इसके ऊपर माइनस 1, 3 2 6 प्लस 5, यहां पे प्लस 1 और इट विल बी माइनस 3। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम 0 से हो गया प्लस 3, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, प्लस 5 से हो गया माइनस 3, तो प्लस 5 से माइनस 3 प्लस 4, 3 2 1 0 1 2 3, टोटल 8, 8 जंप लगे, तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 8। ओके, रीराइट द इक्वेशन, एल्युमिनियम प्लस NO3 नेगेटिव और ये बन गया AlOH4
माइनस वन प्लस अमोनिया। डिक्रीज इंक्रीज निकाल ली, इक्वेशन लिख ली। अब देखो इंक्रीज हुई थ्री की, इधर लिख दी, डिक्रीज हुई एट की, एल्यूमिनियम पे लिख दी। ओके, अब इन दोनों को बैलेंस करो, एट एल्यूमिनियम एट एल्यूमिनियम, ठीक है, थ्री नाइट्रोजन्स थ्री नाइट्रोजन्स सेट। अब बारी किसकी आई, ऑक्सीजन की। ओके, अब देखो ऑक्सीजन लेफ्ट में कितनी है, थ्री थ्री जा नाइन, राइट में कितनी है, एट फोर जा थर्टी टू, इधर है 32 ऑक्सीजन, इधर है 9, 32 में से 9 माइनस कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी, 23, 24, 4 प्लस 9 33 हो जाएंगे, यस इट इज 23, 23 प्लस 9, तो इधर है डेफिशिएंट कितना, माइनस 23 हो गया 32, इट मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मुझे इधर 23 OH नेगेटिव लगाने पड़ेंगे। अब देखो 32, 3 3 जा 9, 9 प्लस 23 ऑक्सीजन्स हो गई 32, ठीक, तो इधर मुझे लगाने पड़े 23 OH नेगेटिव, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ओके, अब आ रही आई हाइड्रोजन की। ओके, लेफ्ट में हाइड्रोजन्स कितनी है, इधर कोई नहीं है, इधर आ गई मेरे पास 23, इसी में से आई ना हाइड्रोजन्स, 23 हाइड्रोजन्स, इधर कितनी है, 8 फोर जा 32 प्लस 3 3 जा 9, टोटल कितनी हो गई, 41, 23 41, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 11, 11 में से 3 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18, ठीक है, इधर डेफिशिएंट किधर है, इधर वो 41 ये 23, इसका मतलब मुझे 18 हाइड्रोजन्स ऐड करनी है, बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर, समझ आई बात, हम लगाएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, और उतने ही इक्वल नंबर 18 OH नेगेटिव इस साइड लगेंगे। यही हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया इक्वल टू OH, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे वॉटर बट इक्वलेंट उतने ही OH नेगेटिव, जिधर हाइड्रोजन ऐड करेंगे उसके वॉटर के साथ बैलेंस किया और ऑपोजिट साइड में। अब इधर हमने हाइड्रोजन बैलेंस की, ठीक है, इधर हाइड्रोजन थी 41, इधर थी 23, हमने इधर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा OH नेगेटिव बचे उसको ऑपोजिट साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए मेरे पास आया 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 NO3 नेगेटिव प्लस, इधर आए 23 OH नेगेटिव प्लस 18 H2O, एरो के दूसरी ओर 8 AlOH 4 टाइम्स नेट चार्ज माइनस 1 प्लस 3 अमोनिया प्लस कितने OH नेगेटिव, 18 18 OH नेगेटिव, इधर है 23 इधर है 18 इधर ले आइए, तो क्या बनी इक्वेशन, 8 एल्यूमिनियम 3 NO3 नेगेटिव प्लस 23 में से 18 चले गए 5 OH नेगेटिव प्लस 18 H2O, और इधर आया 8 AlOH 4 नेट चार्ज नेगेटिव प्लस 3 अमोनिया। चलिए चेक करें सही है कि गलत, लेट्स सी, मेरे पास आया 3 नेगेटिव माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5, इधर माइनस 8, इधर भी कितना आया माइनस 8, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस, इट मींस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज एप्रोप्रिएट। सो इसी तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है, जस्ट डिक्रीज इंक्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। अब जैसे इधर ऑक्सीजन थी 9, इधर थी 32, तो डेफिशिएंसी इधर थी ना, तो इधर हमको 23 ऑक्सीजन लगानी पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं, OH नेगेटिव से। इधर हाइड्रोजन ऊपर तो कोई नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से 23 हाइड्रोजन आ गई, और इधर कितनी थी 32 प्लस 9 41, इनको बैलेंस किया तो इधर 18 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए,
हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर से, जितना वाटर लगाएंगे उतने ही OH नेगेटिव दूसरी साइड। फिर दोनों तरफ OH नेगेटिव तो रख नहीं सकते, जिधर ज्यादा है उसमें से कम वाले आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। वेल, इट इज योर होम असाइनमेंट, आपको इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने बैलेंस करके दी है आपको इक्वेशन नंबर ए बी एंड सी, आपको सिर्फ ये बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये क्या है ये क्या है, समझ आ गई बात। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग, क्योंकि दोनों में ही एक रिड्यूसिंग होगा एक ऑक्सीडाइजिंग, इनमें भी और इनमें भी, ये मेरे को आपने बताना है। और वो तभी बता पाएंगे जब आप पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, डिक्रीज इंक्रीज निकालेंगे, तभी पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस किसका हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है। जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन, और जिनमें डिक्रीज होगा उसकी क्या होगी रिडक्शन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है I2 में HI, HIO2, KIO3 एंड ICl। फिर इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। तो ये आपने पूरी होम असाइनमेंट मेरे को सॉल्व करके भेजनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अब देखो ये क्रोमियम वाला जो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, आपको डिटेल में करना है इसको, थोड़ा सा टिपिकल है। ये रहा हमारे पास क्रोमियम, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, C2H4O, C2H4O2 एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो यहां पे आ गया 7 2s are 14 प्लस 6, ये आ गया -2 + 1 +4 -2, इसका मतलब इस पे कार्बन पे कितना आया -1, तभी ये इसके बराबर आएगा -2 -2 -4, ओके। नेक्स्ट ये बचा -2, दिस इज +4 -4 + 4, तो दिस विल बी 0, ठीक है, ओके। +6 से हो गया +3, तो दिस इज डिक्रीज बाय 3 × 2 डबल 6। अब इधर -1 से हो गया 0, इंक्रीज बाय 1, लेकिन दो कार्बन है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1s are 2 3s are, तो मेरे पास आया Cr2O7 2 नेगेटिव, C2H4O, C2H4O2 प्लस क्रोमियम। तो इंक्रीज को डिक्रीज, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वहां पे हुआ और इधर आ गया 1, दो क्रोमियम, 3 2s are 6 कार्बन, 3 2s are 6 कार्बन। अब बारी आई ऑक्सीजन की, ओके। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं 7, 7 + 3 = 10, राइट में कितने हैं 3 2s are 6, इसका मतलब अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यू हैव टू ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितनी है 4 3s are 12, राइट राइट साइड में कितनी है 4 3s are 12, 12 + 8 = 20, इधर 12 इधर 20, इट मींस इधर क्या लग गई 8H+। अब इसको Cr2O7 2- 3C2H4O प्लस 8H+, 3C2H4O2 प्लस 2Cr3 एंड 4H2O। मैं सिर्फ चार्ज देखूंगी, दिस इज -2 + 8 नेट चार्ज +6 और इधर 3 2s are 6, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैंगनीज वाले में सॉल्व मैंने पूरा ही कर दिया, बट आपको लिखना पड़ेगा फिर से। देखो मैंगनीज, मैंगनीज विल बी हैविंग +7, यहां पे आया -2 + +1, तो ये हुआ -8 + 2, इसका मतलब कार्बन पे कितना होना चाहिए यहां पे, इट इज 2x, तो 2x will be 8 minus 2, it will be 6, तो x कितना आया 3, ठीक है, तो कार्बन पे आ गया +3,
इधर आ गया माइनस टू, कार्बन पे आ गया प्लस फोर, ठीक है। तो इधर मैंगनीज दिस इज डिक्रीज बाय फाइव, प्लस थ्री से हो गया प्लस फोर, इंक्रीज बाय वन, लेकिन एक है टू, ठीक है। ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव H2C2O4 और मैंगनीज टू पॉजिटिव प्लस CO2। अब डिक्रीज इंक्रीज को देखते हैं, मैंगनीज में आया फाइव तो यहां फाइव, इसका आया टू तो इधर टू, यहां लग गया टू, फाइव टू जा टेन, यहां लग गए 10 CO2। ओके, अब देखो जी ऑक्सीजन इधर कितनी है, फोर टू जा एट, एट प्लस फाइव फोर जा 20, टोटल 28। इधर कितनी है, 10 2 जा 20, तो इधर लग गए 8 H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने को हम वाटर लगाते हैं। देन देयर कम्स हाइड्रोजन, लेट्स सी हाउ मेनी हियर, 5 2 जा 10, 10 हाइड्रोजन, हाउ मेनी हियर, 8 2 जा 16, तो इधर है 16, इधर है 10, तो इधर हो गए 6 H+। ये आ जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 5 H2C2O4 प्लस 6 H+, 2 MnO2 पॉजिटिव, 10 CO2 प्लस 8 H2O। लेट्स सी, दिस इज माइनस टू प्लस सिक्स, नेट चार्ज प्लस फोर, हाउ मेनी हियर, प्लस फोर। आपकी ड्यूटी है आप इसमें मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उनको बैलेंस करके देख लीजिए। सो प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको अपनी बुक में या कहीं पे भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में कोई भी एसिडिक बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग मिलती है, डू सॉल्व दैट। नहीं होती है तो मुझे भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ, मैं आपको सॉल्व करके रिटर्न करूंगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय बैलेंसिंग इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। डू प्रैक्टिस, और बहुत आसान है, जस्ट एक सीक्वेंस आपके ध्यान में रहना चाहिए, आप आराम से उसको कर सकते हो। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करो। ओके।